यार, आज हम अपशिष्ट और इसके प्रबंधन से संबंधित पार्ट टू डिस्कस करेंगे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पार्ट वन में डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि भाई अपशिष्ट जो है कचरा कितने टाइप का होता है। अब उससे आगे पढ़ते हैं कि अपशिष्ट के सोर्स क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या हैं जिनसे वेस्ट निकलता है, जिनसे कचरा निकलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहला जो हमारा स्रोत है, कचरे का स्रोत, हम यहाँ अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। तो इसके जो सबसे पहला स्रोत है वो है घरेलू स्रोत। आप और मैं, हम सब घर में कुछ ना कुछ चीजें तो इस्तेमाल करते ही हैं। अभी घरेलू स्रोत जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में मेरे हिसाब से तो कचरा निकाल रहा है आजकल, क्योंकि हर घर में रोज ना रोज कुछ ना कुछ कचरा 100% निकलता है। ऐसा तो कोई इस दुनिया में घर शायद ही नहीं होगा जिसका मतलब कचरा नहीं निकलता हो, जिसमें जिस घर में से कुछ कूड़ा करकट अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलते हो पर डे, ऐसा कोई घर नहीं है। अगर ऐसा कोई घर है तो वो 100% स्वर्ग का या जन्नत का टुकड़ा ही होगा जिसमें से कचरा नहीं निकलता है। कचरा हर घर में से निकलता है, चाहे वो अंबानी का घर हो, चाहे किसी झोंपड़ी झुग्गी झोंपड़ी वाले की झोंपड़ी हो, उसमें से भी कचरा निकलता है। और दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं एलन मस्क वगैरह, उनके घरों में से भी कचरा निकलता है। वहाँ कचरे का निकलने का जो टाइप है वो अलग अलग हो सकता है कि भाई कहीं से कुछ सब्जियों के छिलके निकल रहे हैं, कहीं से आईफोन्स लैपटॉप्स और ई वेस्ट निकल रहा है, अलग अलग टाइप के कचरे निकल सकते हैं। लेकिन ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं घरेलू स्रोत, ये सबसे बड़ा स्रोत लगता है मेरे को तो इस टाइम पे, कि दुनिया में सबसे ज्यादा कचरा फैलाने का काम तो घर कर रहे हैं, और घरों में कौन लोग रहते हैं, लोग हम और आप, तो हम ही फैला रहे हैं सबसे ज्यादा कचरा। और सोच रहे हैं कि यार दुनिया गंदा कर कौन रहा है, पर वास्तव में तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, पर हम वो बात है ना, खुद देखते नहीं खुद की तरफ। तो घरेलू स्रोत में अब ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा कचरा घरेलू स्रोत में सबसे ज्यादा निकलता है। एक तो होता है छिलके, भी ये छिलके में सब्जियों के और फलों के दोनों के छिलके हो सकते हैं छिलके। पॉलीथिन दूसरे नंबर पर आता है, पॉलीथिन बैग्स ज्यादातर बैग्स के रूप में हम घर लेकर आते हैं पॉलीथिन, क्योंकि ये जो छिलके वाली चीजें हैं ना, ये हम पॉलीथिन में भर के लाते हैं और फिर छिलके और पॉलीथिन दोनों को फेंक देते हैं। प्लास्टिक के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, ये चीज भी हमारे घरों से बहुत खूब मात्रा में निकलती है। मोस्टली प्लास्टिक की चीजें जैसे पेन के कैप्स वगैरह हैं, बहुत लोगों की आदत होती है कि कैप्स को दांतों के बीच में चबाते रहते हैं या इस तरीके से हिलाते रहते हैं तो वो टूट जाती है, और जो टूटने के बाद उसको क्या यूज करते हैं, उसको फेंक देते हैं, तो वो प्लास्टिक के टुकड़े में आता है। एक और चीज है कांच के टुकड़े, ये भी काफी मात्रा में निकलती है घरों से, कांच के टुकड़े। कांच के टुकड़े, यहाँ पर एक और चीज ऐड करता हूँ, प्लास्टिक के टुकड़ों के साथ साथ प्लास्टिक का सामान भी हो सकता है। कुछ लोग तो जैसे कि बोतल होती है प्लास्टिक की, और भी कई सारी चीजें हैं प्लास्टिक की, प्लेट्स वगैरह, थोड़ा सा क्रैक हुआ, या फिर कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उनको बिना क्रैक हुए ही, पानी की बोतलों को डायरेक्ट क्रश करके बस एक बार पानी किया फिर थ्रो तो होती है उसको फेंक देते हैं, तो वो प्लास्टिक के सामान के अंदर आता है। प्लास्टिक के सामान और प्लास्टिक के टुकड़े, कांच के टुकड़े, ये रोज के निकलने वाली चीजें हैं। छिलके तो मेरे को लगता है लगभग लगभग रोज निकलते हैं। अब एक और चीज आती है, खाने के पैकेट, खाली पैकेट, भरे पैकेट नहीं निकलते भाई, खाने के पैकेट, खाली ब्रैकेट में लिख देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई खाने के पैकेट भरे किस तरह से निकल रहे हैं बताओ तो हमको, हम भी वही पहुंच जाए। खाली निकलते हैं जो रेपर होते हैं तरीके से खाने की चीजों के लपटे रहते हैं जिनमें खाने की चीज रखी होती है, अब वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, पैकेट कागज के भी हो सकते हैं, पॉलीथीन बैग्स भी हो सकते हैं, और प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, कुछ मात्रा में प्लास्टिक हो सकता है। कई बार कुछ खाने की जो चीजें हैं जैसे सॉस है, कुछ जैम्स होते हैं, वो कांच की बोतल में रखे हुए होते हैं, इस कारण से मैंने लिखा यहाँ पर कांच के टुकड़े, क्योंकि अगर बोतल साबुत होती है तो आप लोग ज्यादातर उसको यूज करने के लिए रख लेते हैं, लेकिन अगर टूट जाती है बाय द वे तो आप उसको इस कैटेगरी में रख के बाहर निकाल देते हैं। ये चीजें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेस्ट के रूप में निकल रही है ना।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि भाई दूसरा जो सोर्स है वो क्या है। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है फैक्ट्रीज, कारखाने, उनको हम लिख सकते हैं उद्योग। उद्योग में भी कई सारी कैटेगरियां हैं। कुछ तो केमिकल इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं जहां पर केमिकल्स फॉर्मेट होते हैं, बनाए जाते हैं, तो वहां कार फैक्ट्रीज हैं, मेल्टिंग फैक्ट्रीज हैं जहां लोहा वगैरह पिघलाया जाता है। तो अब सभी उद्योगों को अगर एक साथ रखें तो अच्छा रहेगा, एक ही कैटेगरी में रहेंगे। देखते हैं भाई उद्योगों से कौन कौन सी चीजें निकल रही है, उनको हम कैटेगरी वाइज लिख रहे हैं, या एकदम क्लियरली नाम नहीं लिख रहे, कैटेगरी वाइज लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। हानिकारक रसायन, हानिकारक रसायन, इन हानिकारक जो रसायन है इनके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? इनमें हो सकता है सल्फर, और हो सकता है पारा HG जिसको बोलते हैं, लेड PB, लेड भी हो सकता है ना, कैडमियम भी हो सकता है, CD। ये कुछ एक तरीके से पानी वगैरह में घुलकर निकलते हैं, या कोई खतरनाक रसायन जो है, जैसे क्या बताऊँ आपको, बहुत सारे कलर वाले जो केमिकल हैं, कई बार अगर आपने कभी देखा हो तो नालियों में कुछ पानी जो है वो गंदा, वो एक अलग ही कलर का नजर आता है, और उस कलर का जो मेन कारण है वो ये होता है कि वो पानी किसी फैक्ट्री से या किसी उद्योग से, कारखाने से वहां उस नाली में डाला गया है। इस कारण से वो उसमें कोई ना कोई केमिकल है जिसकी वजह से उसका कलर आया है, और वो केमिकल पानी में घुल गया है। इस कारण से पानी, हम कैसे बोलते हैं पानी का ही स्पेशल कलर ऐसा हो गया है। तो रंग वाले रसायन, इनको ऐसे लिखा जा सकता है बड़े आसान तरीके से, ये रंग वाले रसायन यहाँ से बहुत ज्यादा निकलते हैं। एक और चीज निकलती है जिसको भी हम कचरे के प्रकार में ही रख सकते हैं, वो है धुआं। ये कई प्रकार का धुआं भी कारखानों से निकलता ही रहता है। अब ये तो हो गए फैक्ट्री वाले रिसोर्स, जो बहुत, ये पहले नंबर पे घरेलू स्रोत है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है उद्योग या फैक्ट्री। ये दोनों ही सबसे ज्यादा इस धरती को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, कचरा निकाल निकाल के। कुछ दिन ऐसे ही अगर चलता रहा तो जल्दी हर देश के अंदर नए नए आर्टिफिशियल माउंट एवरेस्ट मिलेंगे, पर वो माउंट एवरेस्ट जो है वो पत्थर के और बर्फ के नहीं होंगे, वो सिर्फ सिर्फ वेस्ट पदार्थों के होंगे, कचरे के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी रिसर्च कुछ ऐसा बताती है कि इतना ज्यादा अगर कचरा निकलता रहा तो कुछ ही सैकड़ों सालों में कचरे के पहाड़ दिखाई देंगे देशों में, और कुछ नहीं दिखेगा। अब तीसरा सोर्स देखते हैं क्या है। अगर आप लोग किसान परिवार से हैं तो 100% ये चीज जानते हैं कि कृषि से भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं। कृषि भी एक सोर्स है, रिसोर्स है अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का। और यहाँ कौन कौन सी चीज निकलती है, वो सबसे पहला होता है भूसा। भूसा या डंठल भी कह सकते हैं, मैंने डंठल का कुछ अलग ही लिख दिया था, डंठल और पत्तियां, और कौन सी चीज है जो कृषि से वेस्ट के रूप में निकलती है? एक और नाम सुना होगा आपने, एक पराली, एक स्पेशल चीज जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ भी, वो है धुआं। ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि अगर कृषि हो रही है कहीं पर, किसी चीज की खेती की जा रही है, तो जैसे ही फसल पक जाती है उसको काटने के बाद उसमें कुछ भूसा बचता है उसका, या पराली जो बचती है, और कुछ डंठल वगैरह बचते हैं। जैसे बड़े पौधे होते हैं अगर फसल के, तो उनको हाफ कट करके तो उनमें से दाना वगैरह निकाला जाता है, प्रोसेसिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, लेकिन वहीं पर खेत में खड़े जो डंठल बचते हैं उनको निकाल करके साइड में डाल दिया जाता है, वो कचरे का काम करते हैं। कुछ पत्तियां होती हैं बहुत सारी फसलों की, जैसे अरहर वगैरह होती है, तो उसको पकने तक उसकी बहुत सारी पत्तियों का ढेर खेत पर लग जाता है, मतलब एक तरीके से लेयर चढ़ जाती है खेत में। अगर कोई किसान उनको बाहर निकाल देता है, वैसे तो उनको वहीं पर जोत देना चाहिए ताकि ह्यूमस वगैरह बन जाए, लेकिन अगर उनको बाहर निकालता है पत्तियों का, तो वो भी वेस्ट का रूप ले लेती है। और एक चीज है, अगर इन सभी चीजों को जला दिया जाता है, अब अलग अलग भी जलाया जा सकता है और एक साथ भी जलाया जा सकता है, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में धुआं निकलेगा।
यही कारण है कि कृषि जो है वो भी अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का एक मेन रिसोर्स है। अभी चौथा हम रिसोर्स लिख सकते हैं कि भाई और कौन सी चीज है जो अपशिष्ट पदार्थों को निकालती है। वैसे तो वो उद्योग के अंदर हमको डिस्क्राइब कर देनी चाहिए थी, पर नहीं कर सकते तो हम इसे यहाँ अलग से लिख देते हैं। वो टॉपिक है चिकित्सा। आप कभी ना कभी 100% अस्पताल या किसी मेडिकल स्टोर पर तो गए ही होंगे। तो जो ये हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल स्टोर्स हैं, ये मेडिकल चीज़ों को एक बार यूज करके कहाँ डालते हैं? डंपिंग यार्ड में सीधा, क्योंकि उन्हें दोबारा यूज नहीं किया जाता है। मोस्टली जो मेडिकल चीज़ें हैं, जैसे कि सिरिंज वगैरह हैं, जो सिरिंज, कुछ रबर की दवाइयों के एक तरीके से ड्रॉपर होते हैं, ड्रॉपर और रबर की नलियां, रबर नलियां जिनको बोल सकते हैं, रबर नलियां और प्लास्टिक के कुछ सामान, तो उसको प्लास्टिक ही की कैटेगरी में ही हम दे देते हैं, प्लास्टिक के सामान। ये सारी चीजें किसी भी हॉस्पिटल से या जो मेडिकल यूनिट होती है उससे निकलती हैं। सिरिंज, ड्रॉपर, रबर नलियां और प्लास्टिक के सामान। बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आजकल ग्लूकोज वगैरह लगवाते हैं और बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मेडिसिन दी जाती है। जो पिल्स होती हैं, गोलियां, उन गोलियों के रैपर होते हैं एक तरीके से, जिनको हम वैसे सिंपल भाषा में पत्ते बोलते हैं कि ये फला गोली का ये पत्ता है, उनको गोलियों के पैकेट, खाली पैकेट है ना। ये सारी चीजें, ये मैंने मेन मेन चीजें लिखी हैं। बाकी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप नॉर्मली देखते हैं, उनको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीजें किसी भी मेडिकल यूनिट से निकलती हैं। तो हम देख चुके हैं कि चार ऐसे मेन रिसोर्स हैं जिनसे अपशिष्ट पदार्थ बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। इनके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, लेकिन उनका हम यहाँ जिक्र नहीं कर पाए हैं। तो उनको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, कवर कर लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो इस टॉपिक से संबंधित, अगर कुछ चीजें बची हैं तो उनको हम और नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए